बता चलो निकलो बाहर बाहर निकलो भाई निकलो 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 पानी वाला चलो इधर साइड पे आ जा साइड पे ले साइड पे साइड पे खड़े हो जाओ उधर पकड़ो इसी यार आराम से 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 मैं ऐसा करो यार कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा आप बाकी का पानी पिलाता हूँ चाय भी पिलाता हूँ कौन सा बातचीत तो करो सर कहाँ गए थे कहाँ गए थे आप लोग सर आज बारिश पड़ा ना सुबह बस मछली पकड़ने का चक्कर था ये क्या है एक तो वहाँ इलीगल काम करते हो फिर फंस गए तुम लोग अचानक से हम लोग आए थे अचानक से ही होता है ना भाई तो हम लोग आ ही रहा था बाकी ना आपको कोई चोट तो नहीं लगी आगे के लिए जहाँ पर मछली मत पकड़ना आपको तो बरसात का मौसम है तो ऐसा नहीं करना अनिल कुमार सर छुट्टी था ना पानी बारिश पड़ा तो काम से छुट्टी था तो मछली पकड़ने के चक्कर में चले गए थे कितने लोग थे आप कुल बस इतने हैं 6-7 बंदे छः सात बंदे कौन से दरिया ये मतलब जसरोटा वाला तो कितनी देर से फंसे रहे आप मतलब सुबह के टाइम आए थे तो पानी तेज हो गया मतलब हम जब गए ना तो पानी कम था बाद में डैम का और छोड़ दिया ना तो कौन लोग आए किसने बचाया आप निकाला आप हाँ जी अब कौन लोग आए थे आपको बचाने के लिए पुलिस वाले आए थे मीडिया वाले राम छत्तीसगढ़ मछली पकड़ने आज बेला था छुट्टी था तो आज चला गया था साथ में कितने बजे गए थे आप सुबह 9-10 बजे मतलब आए थे मछली पकड़ने के लिए तो इधर फंस गया थे 3-4 बजे तक 3 बजे से पहले पकड़ गए 6-7 बंदे पहले बार आया ना फिर आया नहीं था ना छत्तीसगढ़ का एक ही परिवार के नहीं नहीं सर अलग अलग परिवार के पुलिस वाले वीडियो वाले और कौन सरपंच भी आया था गांव वाले मेरा नाम हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार SDRF कपनाट कठुआ तो आज करीब शाम के 5 बजे हमें PCR से फ़ोन आया कि कुछ 7 लोग जो उज दरिया में फंसे हुए हैं तो हमारी पहले से ही जो शानरोड़िया में हमारी टीम डिप्लाई हुई है तो हमने तत्काल बिना टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी टीम जहां स्पॉट पर रवाना हुई तो देर रात आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत अंधेरा हो चुका है देर रात हमारी टीम ने एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरा सक्सेसफुल किया है ये 7 लोग हैं जो कि पानी के उस ओर फंसे हुए थे ये बिहारी लोग हैं उधर उड़ीसा के तो इनको हमने ये मछली पकड़ने के लिए गए थे तो इनको हमने अभी रेस्क्यू करके CFN को निकाला है।